सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज बेसिकली एन एक्स बार एस चार्ट. जो पहले वाला था वो क्या था, एक्स बार आर चार्ट. नाउ दिस इज एक्स बार एस चार्ट. सो हमने क्या देखा था, हम कब एक्स बार एस चार्ट प्लॉट करते हैं, जब कभी भी मेरा सब ग्रुप का साइज 10 या फिर उससे ज्यादा हो, देन जनरली वी गो फॉर द एक्स बार एस चार्ट. व्हाट इज एस, एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस लिया है, देखिए प्रोसेस क्या है हम पहले जानने की कोशिश करेंगे. कुछ वेइंग मेजर ऑर्गेनाइजेशन इज मॉनिटरिंग द स्टिफनेस ऑफ द पेपर. पेपर का स्टिफनेस हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सेट पॉइंट 35 यूनिट्स है. तो जो टीम थी उन्होंने प्रोसेस कैपेबिलिटी चेक करने के लिए डेटा कलेक्ट किया. अगेन सब ग्रुप वाइज डेटा कलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, नॉट नेसेसरी इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट, बट यहाँ पे हमने हर आधे घंटे के बाद कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि 7, 7:30 बजे, 8 बजे. एंड हियर यू विल ऑब्जर्व सब ग्रुप का साइज कितना है मेरा, 10 है, जो कि पहले बार एक्स बार आर चार्ट में सिर्फ 5 था. नाउ आई हैव कैलकुलेटेड कि 7 बजे जब मैं जाता हूँ तो आई एम टेकिंग 10 सैंपल्स, जब मैं 9:30 बजे जाता हूँ फिर से मैं 10 सैंपल ले रहा हूँ, एंड सो ऑन. नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले है हमको एक्स बार कैलकुलेट करना है. अगेन द एक्स बार रिमेन्स द सेम. एक्स बार क्या होगा, एक्स बार विल बी द एवरेज ऑफ सब ग्रुप. तो इस केस में मेरा एवरेज ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, ये जो 10 रीडिंग्स मैंने लिया हुआ है उसका है एवरेज, इज बेसिकली माय एक्स बार. द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू कैलकुलेट एस बार. सो व्हाट इज माय एस बार फॉर्मूला, एस बार फॉर्मूला इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, वेयर एन इज बेसिकली माय नंबर ऑफ सैंपल्स. इन दिस केस एन इज इक्वल टू 10. सो इस फॉर्मूला लगा के मैं हर एक सब ग्रुप का बेसिकली एक्स बार कैलकुलेट करने वाला हूँ और एस कैलकुलेट करने वाला हूँ. सो अगेन यू विल ऑब्जर्व द टू लास्ट कॉलम विच आर रिप्रेजेंटिंग द एक्स बार एंड एस बार फॉर ईच ऑफ द सब ग्रुप. अगेन somewhat सिमिलर टू द एक्स बार आर चार्ट, इन दैट केस इट वॉज आर वैल्यू, हियर इट इज एस बार वैल्यू. ठीक है, एक्सेल में ये जब हम फॉर्मूला डालते हैं तो आसानी से इसका वैल्यू निकल जाता है, बिकॉज इट इज अ जस्ट अ फॉर्मूला काइंड ऑफ एन थिंग. सो हर एक सब ग्रुप का मैंने एक्स बार कैलकुलेट किया है, एस बार कैलकुलेट किया है फॉर ऑल द रीडिंग्स दैट आई हैव टेकन इनटू द कंसीडरेशन. अभी नेक्स्ट क्या होगा बताइए, नेक्स्ट होगा वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल लिमिट्स. यहाँ पे भी दो चार्ट है, एक है एक्स बार चार्ट है और दूसरा है एस चार्ट. सो मुझे फाइंड आउट करना है कि एक्स बार चार्ट के कंट्रोल लिमिट्स क्या होंगे और एस चार्ट के कंट्रोल लिमिट्स क्या होंगे. तो देखेंगे फॉर्मूला क्या बताता है. तो लेट अस सी, कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट्स ऑफ एक्स बार चार्ट. सो फॉर्मूला है, अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस ए थ्री मल्टीप्लाइड बाय एस बार, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज बेसिकली एक्स डबल बार माइनस ए थ्री मल्टीप्लाइड बाय एस बार. एक्स डबल बार क्या होगा, लास्ट जैसे हमने एक्स बार आर चार्ट में देखा था, एक्स डबल बार इज अ एवरेज ऑफ एवरेज, सो दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल द एक्स बार्स. सो ये जो वैल्यू मैंने निकाला हुआ है इन सब का एवरेज, मतलब मेरा एक्स डबल बार. तो देखिए यहाँ पे एक्स डबल बार मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, समेशन ऑफ ऑल द एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, दैट इज कमिंग आउट टू बी 38.28. सिमिलरली एस बार क्या होगा, एस बार विल बी एवरेज ऑफ ऑल द एस बार्स, दैट इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी हर एक सब ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका एवरेज, बेसिकली दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.32. तो देखिए इस फॉर्मूला में मुझे एक्स डबल बार मिल गया, एस बार मिल गया. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ए थ्री. ए थ्री क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. वो कहाँ से मिलेगा हमको, कॉन्स्टेंट टेबल से मिलेगा. तो एक्स बार एस चार्ट का कॉन्स्टेंट टेबल अलग है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है. अगेन हाउ यू विल फाइंड आउट कि सब ग्रुप का साइज क्या है, उस हिसाब से मुझे एक्स बार चार्ट के A2, A3, सिग्मा एस्टिमेट, D2, जो कुछ भी फॉर्मूला में लगने वाले कॉन्स्टेंट है वो मुझे यहाँ से पता चलेगा बेस्ट अपॉन द सब ग्रुप साइज. इन दिस केस द सब ग्रुप साइज इज 10. सो रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ A3 हैज बीन प्लॉटेड इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड यू विल गेट द अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट. सो इन दिस केस इट इज 38.28 plus some calculation that is coming out to be 40.29. lower control limit is coming out to be 36.29. this is for x bar chart. similarly we have to do it for the s bar chart, correct? so s bar chart mein kya karenge, again there is some kind of an formula
जो हमको बताता है अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एस बार चार्ट इज बी4 मल्टीप्लाइड बाय एस बार, लोअर कंट्रोल लिमिट इज बी3 मल्टीप्लाइड बाय एस बार। बी4 और बी3 कहां से मिलेंगे हमको? बी4 और बी3 अगेन आई विल गेट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेबल, जहां पे बी3 और बी4 की वैल्यू हमको मिलती है अगेंस्ट द सब ग्रुप साइज। सो अकॉर्डिंगली आई हैव पुट दैट इन दिस फॉर्मूला एंड आई गॉट द कंट्रोल लिमिट फॉर S chart, upper control limit and lower control limit for S chart, that is coming out to be 4.76 and 1.88 in this case. तो देखिए अभी X bar chart के मेरे upper control limit पता चल गए, lower control limit पता चल गए, S chart के मेरे upper control limit, lower control limit पता चल गए, तो what is the next step? Plotting an actual chart. तो ये जब मैं plot करता हूँ तो I am getting this kind of an two graphs. The upper graph is basically X bar chart, the lower graph is basically S chart. तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे एस चार्ट में? देर आर टू वैल्यूज विच आर गोइंग आउटसाइड ऑफ माई अपर कंट्रोल लिमिट। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ असाइनेबल कॉज इन माई सिस्टम। तो मैं क्या करूंगा बताइए, कौन सी प्रोसेस अभी मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ? आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन, जिसमें मैं बेसिकली देखूंगा कि जो कंट्रोल लिमिट के बाहर पॉइंट जा रहे हैं उसको मैं कैलकुलेशन में नहीं लूं, और जो कुछ भी बाकी सब ग्रुप है, जो कुछ भी बाकी रीडिंग्स थे उसको कंट्रोल लिमिट्स रिकैलकुलेट करके मैं देखूंगा कि वेदर माय सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो इन दिस केस देर आर टू पॉइंट्स, वन इज बेसिकली 5.6 एंड अदर वन इज बेसिकली 5.99। आई विल identify in my entire data set where are those value. तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि S bar का 5.60 और 5.99। ये कहाँ से आए 5.60 5.99? I'm again going back from these two values 5.60 and 5.99. So बताइए मैं अभी क्या करने वाला हूँ? I will be deleting this entire row for my calculation, because of which what will happen? My subgroup, number of subgroups will reduce to 23, which was 25 in the previous case. तो ये जो 23 का डेटा सेट मुझे मिल रहा है, आई विल अगेन रिकैलकुलेट माय एंटायर थिंग, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एस बार। सिमिलरली माय एक्स डबल बार, एस बार वैल्यू विल आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दिस टू वैल्यूज। वो आने के बाद मैं फिर से कंट्रोल चार्ट प्लॉट करने वाला हूँ, और देखिए फिर से मुझे वैल्यूज मिली है दो पॉइंट, वो फिर से मेरे कंट्रोल लिमिट्स के बाहर जा रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली अगेन इंडिकेटिंग मी कि यस देयर इज अ स्टिल असाइनेबल कॉज प्रेजेंट इन योर सिस्टम। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से होमोजेनाइजेशन रन करना पड़ेगा। इस बार दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं 5.55 और 4.45, करेक्ट। तो कोई मुझे पूछेगा ये कितने बार करना है? तो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स कि देयर इज असाइनेबल कॉज, तो इसका मतलब है कि मुझे वो पता चल सकता है कि वो असाइनेबल कॉज क्या है, वो मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूँ और मैं रिमूव करने वाला हूँ। ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट अगर मेरे अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट्स के बाहर जा रहे हैं, देन आई कैन कॉल इट कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, देन आई नीड टू गो ऑन अ बेसिक कि सिस्टम मेरा डिजाइन कैसे किया हुआ है। बट दैट लिमिट इज अबाउट 20-25% ऑफ द पॉइंट्स गोइंग बियॉन्ड द अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। So what will be the next step? यहाँ पे जाके मैं क्या करने वाला हूँ? फिर से मैं देखूंगा कि 5.55 का पॉइंट कौन सा है, 4.45 का डेटा सेट कौन सा है। I'll remove that। ये दो डेटा सेट होने के बाद 23 से मेरा नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएगा 21। I'll again recalculate my limits and I will see कि whether my points are falling in the control limits or not। And this will go on। यहाँ के लिए मैंने अभी के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। Ideally, it should have been done for these two points also, and again see whether these are falling in the control limits or not. So that was about the X bar S chart. फिर से quickly revise करने की कोशिश करेंगे कि X bar S chart क्या होता है। X bar S chart हम plot करते हैं जब कभी भी मेरा subgroup का size is greater than or equal to 10 होता है। हमारे केस में जो हमने example लिया था paper stiffness जो organization check कर रही थी, उसमें हमने लिया था subgroup size to be equal to 10। ये आने के बाद हम सबसे पहले जो चीज करते हैं वो आइडेंटिफाई द हर एक सब ग्रुप का एवरेज, हर एक सब ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वी कैलकुलेट द एक्स डबल बार, देन वी कैलकुलेट द एस बार। वो होने के बाद देयर इज अ टास्क टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल लिमिट्स, नॉट द स्पेसिफिकेशन लिमिट, कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार
का अलग फॉर्मूला है, कंट्रोल लिमिट फॉर एस चार्ट का अलग फॉर्मूला है, देर आर सम कॉन्स्टेंट दैट वी गेट इट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट टेबल. When you put all those values of x bar, s bar, and constant, you will get the upper control limit and lower control limit. Plot those against the, both the graphs, both the charts, and you will observe ki assignable cause hai ya system mein hai kya, jiske humne 6-7 rules dekhe. Agar assignable cause hai, aapko dikhai de raha hai, to aapko ek homogenization process run karna hai, jisme aapko jo upper lower ya upper control limit se jo bahar ja raha hai, ya fir lower control limit ke jo niche aa raha hai. वो डेटा सेट निकाल देने का है, देखना है जो बाकी रह गए हैं उसके साथ फिर से रिकैलकुलेट करना है और देखना है कि वेदर माय ऑल पॉइंट्स आर फॉलोइंग अंडर अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट और नॉट. इफ दे आर फॉलोइंग, योर सिस्टम इज क्वाइट स्टेबल एंड इट कैन इट इज बेसिकली केपेबल, राइट. सो एक्स बार आर चार्ट हमने देखा, हमने अभी एक्स बार एस चार्ट देखा. नाउ वी विल मूव बेसिकली टू द आई एम आर चार्ट.